शर्त ये है कि शादी से पहले तेरे आका चकमा को खुद चलकर मेरे बाबा जिंगारू की झोपड़ी में आना होगा। वहाँ चकमा की दावत होगी। आका चकमाक, जजीराए चकमाक के जंगली कबीले के सरदार जिंगारू की बेटी जरनिगार आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। क्या तू सच कह रहा है? मुझे यकीन नहीं आता। हाँ, मैं 100% सच कह रहा हूँ आका। कमाल है, एक आदमजाद लड़की एक जिन से शादी करने पर राजी हो गई है। मगर जरनिगार ने आपसे शादी करने की एक शर्त रखी है। एक आदमजाद लड़की की ये मजाल कि वो जिन के आगे शर्त रखे? शर्त रखने का हक कमजोरों का नहीं होता। तेजस्वी मुखबिर, हमें उसकी कोई शर्त मंजूर नहीं। भूल कर रहे हैं आका, ऐसी शर्त पर तो आप खुद कुर्बान होना चाहेंगे। आए और क्या आका, जरनिगार ने आपकी दावत रखी है। दावत यानी कि मेरी दावत? और क्या, मगर इसमें शर्त कहाँ है? जरनिगार की शर्त ये है कि अगर उसके हाथ का बना खाना आपको पसंद आ गया तो शादी होगी, नहीं तो नहीं। अरे वाह, ऐसी हजार शर्तें मुझे मंजूर है। तिलिस्मी मुखबिर, वाकई तूने ये खबर सुनाकर मेरी भूख चमका दी है। अब मैं ये सब खा जाऊंगा, चट कर जाऊंगा सब। जल्दी कर, सारी रोटियां खत्म हो गई। अभी लाती हूँ। आका, हाथ क्यों रोक दिया? अभी तो एक रोटी बाकी है, इसे तो खत्म कर लीजिए। नालायक, तिलिस्मी मुखबिर बना फिरता है और तिलिस्मी राज नहीं जानता। कैसा तिलिस्मी राज? ये तिलिस्मी रोटी खिलाकर मुझे मारना चाहता है। जानता नहीं इस तिलिस्मी रोटी में मेरी जान है। रोटी में जान? तेरी तरह कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस रोटी में भी किसी की जान छुपाई गई होगी। जिन अपनी जान को खतरों से बचाने के लिए किसी न किसी चीज में छुपा कर रखते हैं। मुझे रोटियां पसंद है ना, इसलिए मैंने अपनी जान इस तिलिस्मी रोटी में छुपा रखी है। रोटियों के ढेर के नीचे ये आखिरी रोटी है और इस तरह मेरी जान महफूज रहती है। आका, आपको भूख जरा बर्दाश्त नहीं होती? कहीं भूले से आपने रोटी खा ली तो? बेवकूफ, ये रोटी कोई आम रोटी नहीं है, ये तिलिस्मी रोटी है। इस रोटी को खाना लोहे के चने चबाना है। इसे तोड़ने वाले के हाथ और खाने वाले के दांत टूट जाएंगे। क्या तरकीब लड़ाई है आका, वाह! मेरी जान बचाने की तरकीब का ये राज बताकर मैंने तुझे हमराज किया है। मगर खबरदार, अगर तूने ये राज किसी गैर को जाहिर करने की गलती की तो मेरी माँ तुझे तिलिस्मी चूल्हे में डालकर तेरी जिंदगी की आखिरी रोटी पका देगी, समझा? अब क्या इसे चूल्हे में भून कर खिला दूं? ले खा ले ये और रोटियां। पता नहीं कब तेरे सहरे के फूल खिलेंगे और कब मुझे चूल्हे और चौके से छुटकारा मिलेगा। माँ, अब तुझे रोटियां पकाने की जरूरत नहीं, इसने मेरे लिए दुल्हन ढूंढ निकाली है। अच्छा? हाँ माँ, कल मैं अपनी होने वाली दुल्हन के हाथों का बना खाना खाऊंगा। सरदार, सरदार, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? क्या कयामत आ गई?
जो भागे भागे फिर रहे हो? यूं समझिए कि जमीन ऊपर और आसमान नीचे हो गया है। कयामत ही तो आ गई है सरदार। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ, ये शोर शराबा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी खबर लाए हैं। तुम तो हो ही मनहूस, अपनी शक्लें ना दिखाया करो बुरी खबरें सुनाने के लिए। खबर बुरी हो तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अच्छा बताओ क्या खबर है सिंपाद? क्या हुआ सिंपाद को? कुछ ना पूछो, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बहुत बुरा हुआ। नामाकुलो जल्दी बताओ क्या हुआ? खबीज खरबान ने सिंपाद को गिरफ्तार करके जमीन के अंदर कैद कर दिया है। नहीं! ये खबीज खरबान कौन मर्दूद है? उम्मे खबीज का बेटा है, पूरा शैतान है वो। खुशी के इस मौके पर बुरी खबर, पता नहीं मेरी बेटी की खुशियों को किसकी नजर लग गई, मगर ये सब हुआ कैसे? बाबा कैसे हुआ, इससे ज्यादा अहम बात ये जानने की है कि आगे क्या होने वाला है। मैं माजी माजी जाके पूछूंगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। मा जिम्बा कुछ बताओ भी, माजरा क्या है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? सिंधबाद को जमीन की कैद से रिहाई दिलाना मुश्किल है। तुम हमें बताओ वो जजीरा चकमाक के किस इलाके में कैद है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वो जमीन की इतनी गहराई में दफन है कि किसी भी इंसान की पहुंच वहां तक नहीं है। मैं जमीन की परतों को उलट दूंगी। पागल ना बन नादान लड़की, तेरे लिए तो क्या, किसी भी इंसान के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। जब जान हथेली पर रखकर चलो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, तब बड़े से बड़े शैतान का गुरूर टूट जाता है। जहर को जहर मारता है और तिलिस्म को तिलिस्म ही काटता है। कई तिलिस्मी ताकतें जिंदबाद की साथी हैं, इसलिए तू अपनी बेताबी में कोई नादानी ना कर, क्योंकि मैं माजिम्मा जानती हूं कि तूने कौन सा खतरनाक इरादा कर रखा है। तू रो क्यों रही है माजिम्बा? क्या सिंधबाद और जरनिगार की शादी नहीं होगी? तू चुप क्यों है माजिम्बा? अगर ये शादी नहीं होगी तो कबीले पर मुसीबतें नाजिल होंगी। कबीले की रस्म के मुताबिक अब सिंधबाद और जरनिगार की शादी लाजमी हो गई है। क्या क्या कुर्बानियां मांगता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, तू फिक्र ना कर सरदार जिंगारू, ये शादी होगी क्योंकि सिंधबाद
कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तो जमीन को फाड़ कर भी आएगा और कबीले की बहादुर बेटी जर निगार से शादी करेगा। पता नहीं कब तक ये जंगली फल खा खा के अपना गुजारा करना पड़ेगा। देवता परेशान क्यों होती हो, जैसे ही जहाज ठीक हो जाएगा हम सफर पर रवाना हो जाएंगे। कब ठीक होगा ये जहाज, कब? ये जहाज है या लाइलाज मरीज, ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। बोलो ना, बताओ आखिर और कितने दिन पड़े रहेंगे हम इस साहिल पर, इस चेहरे हुए जहाज पर? सरदार, सरदार, जहाज ठीक हो गया सरदार। क्या, जहाज ठीक हो गया? हाँ सरदार, हमने टूटे हुए लंगर को भी दुरुस्त कर लिया सरदार। शाबाश दज्जाल। दिलरुबा, जहाज ठीक हो गया? तो दांत निकालकर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, सफर की तैयारी करो। हाँ, एक दूंगा, दांत निकाल के मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जहाज को आगे बढ़ाओ, सफर शुरू करने की तैयारी करो, जाओ। जी सरदार। दिलरुबा, सफर शुरू हो गया। शहजादी तस्वीर, इस जहाज की कप्तानी संभालते हुए सिंधबाद की गैर मौजूदगी में मैंने उनकी जगह संभाल ली है। अब इस जहाज का सारा अमला मेरे हुक्म के मुताबिक काम कर रहा है। अब अगर तुम भी मुझे अपने आका की जगह समझती हो तो जाहिर हो, हाजिर हो। आका आसिफ, इस जहाज के हर शख्स की तरह मैं भी आपके हुक्म की बंदी हूँ। आका सिंधबाद की भलाई में मैं आपके हर हुक्म को बजा लाऊंगी। तो फिर शहजादी तस्वीर, हमें ये बताओ, आका सिंधबाद खैरियत से तो हैं? हाँ, आका सिंधबाद खैरियत से हैं, मगर ये क्या शहजादी तस्वीर, तुम कह रही हो कि आका सिंधबाद खैरियत से हैं और रो भी रही हो? आका सिंधबाद खैरियत से तो हैं, मगर कैद में है। कैद में है जमीन की गहराइयों में। ये तुम क्या कह रही हो शहजादी तस्वीर, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है कि आका सिंधबाद खैरियत से हो और जमीन के अंदर हो? खुद ही देख लीजिए। सब कैसे हो गया ये सब, और मैं खबीस के बेटे खबीस खरबान की हरकत है। मगर उस खबीस ने आका सिंधबाद को किस इलाके में कैद किया है? आका सिंधबाद जजीरे चकमाक में ही जमीन के अंदर कैद किए गए हैं। शहजादी तस्वीर, आका सिंधबाद को एक छोटी सी बोतल में देखकर मेरा तो खून खौल उठा है। तो मुझे कोई तरकीब बताओ कि मैं उन्हें कैसे छुड़ाऊं। मैं जान हथेली पर लेकर उन्हें आजाद कराऊंगा। अलनासिर, गुस्से से नहीं सब्र से काम लो, यूं जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। आका आसिफ ठीक कह रहे हैं, जमीन के अंदर की दुनिया जमीन के ऊपर की दुनिया से अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ का इंसान वहाँ जाकर बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, वरना आका सिंधबाद यूं करना होते। लेकिन अपनी बेबसी के मारे हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे भी तो नहीं रह सकते। जमीन की गहराइयों में सिंधबाद को तलाश करना और वहाँ के कैद से आजाद करा के जमीन के ऊपर लाना सिर्फ तिलिस्मी से मुमकिन है। ये काम कोई तिलिस्मी ताकत का मालिक, कोई जिन या जादूगर ही कर सकता है। मगर हम तो किसी जिन या जादूगर को नहीं जानते। जानते क्यों नहीं, शहजादी तस्वीर भी तो तिलकनी ताकत की मालिक, हम सबकी दोस्त और सिंधबाद की वफादार हैं। हाँ शहजादी तस्वीर,
अब तुम ही हमारी इस सिलसिले में मदद कर सकती हो। दिलो जान से करना चाहूंगी मगर कर नहीं सकती। मगर क्यों शहजादी तस्वीर? इसलिए कि सिंबाद की तरह मैं भी इस तिलिस्मी आईने में कैद हूँ। हमें वो तरकीब बताओ कि हम कैसे तुम्हें इस तिलिस्मी आईने की कैद से आजाद कर सकते हैं। अपनी रिहाई का राज अगर मैं खुद जाहिर कर दूं, तो मेरी रिहाई कभी नहीं हो सकती। फिर सदा के लिए मैं इस आईने में कैद रहूंगी। इसलिए इस तिलिस्मी शर्त की पाबंदी पर मैं मजबूर हूँ। तो फिर कौन है वो जो हमें तुम्हारी आजादी का राज बता सकता है? कहाँ रहता है वो? उस तक कैसे पहुँच सकते हैं? राजदारी की शर्त की बिना पर मैं ये सब नहीं बता सकती। अलबत्ता सिर्फ उस लड़की का नाम बता सकती हूँ। लड़की? हाँ, उस लड़की का नाम हमराज हर्फी है। हमराज हर्फी? हाँ, हमराज हर्फी तिलिस्मी दुनिया के हर राज से वाकिफ है। सिंबाद को बचाने के लिए अगर तुम लोग हमराज हर्फी को तलाश कर लो तभी मैं कोई मदद कर पाऊंगी। इंशाल्लाह हम उस हमराज हर्फी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, खुदा हाफिज। आसिफ, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमराज हर्फी कहाँ रहती हैं। फिर हम जहाज को कहाँ ले जाएंगे? शायद तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी उम्मीदों और आरज़ुओं के जहाज का कोई नाखुदा नहीं है जो इस जहाज को सही सिमत दे सके। और क्या? किश्तियाँ सबके किनारे से लग जाती हैं। नाखुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अल नासिर, हुक्म, जहाज को हवाओं के रुख पर छोड़ दो। जहाज इत्तेफाक से जहाँ जहाँ जाए जाने दो, क्योंकि इत्तेफाकात में खुदा की मर्जी शामिल होती है। बेरहम बेदर चकमा, तुझे मजेदार और लजीज खानों का बहुत शौक है ना? आज तुझे बहुत मजा आएगा अपनी जिंदगी के आखिरी खाने का। तेरी मौत खाना खाते खाते ही हो जाएगी। तू एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। जरनिगार, ये क्या, ये तुमने क्या किया बेटी? मैं तो समझा था कि तुमने अपनी सहेलियों को दावत दी होगी, मगर तुमने तो चकमाक जिन को दावत दे दी। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, उस जालिम चकमाक की बोटियां बोटियां करके चील और कौओं को खिला देना चाहिए, और तुम उसे खाना खिलाना चाहती हो। बाबा, चील कौवे भी इतनी समझ रखते हैं कि किस जानवर पर मुंह मारना चाहिए और किस जानवर पर मुंह नहीं मारना चाहिए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझा भी नहीं सकती, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए और जो मैं कर रही हूँ
वो मुझे करने दीजिए। मगर बेटी, इधर सिंदबाद शैतानों के तिलस्मी जाल में फंसा हुआ है, ऐसे में दावत क्या मुनासिब होगी? बाबा, आप सिंदबाद की फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप शायद ये भूल रहे हैं कि माजिम्बा ने क्या कहा था कि सिंदबाद सही सलामत जरूर लौट आएगा। वो तो खुशी की बात होगी, और सिंदबाद के आने की खुशी में दावत भी होनी ही चाहिए। मगर चकमाक को खाने पर बुलाने का क्या मतलब? सिंदबाद के लौटने तक चकमाक जिन को काबू करना जरूरी है बाबा। अच्छा अच्छा, तो तुमने इस मुसीबत को कब्जे में करने के लिए कोई तरकीब लड़ाई है? शाबाश बेटी, शाबाश। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं, बेटा हो।